हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रैवल फ्रिक वीडियोस। आज हम लोग आए हुए हैं ताज फिशरमैन्स कोव रिजॉर्ट इन चेन्नई। ये चेन्नई में एक सी साइड रिजॉर्ट है, चेन्नई से लगभग 1 आवर के ड्राइविंग डिस्टेंस में, ईस्ट कोस्ट रोड में जो महाबलीपुरम को जाता है। सी साइड बहुत बड़े एरिया में ये रिज़ॉर्ट बना हुआ है और इसमें कई सारे कॉटेजेस, रूम्स, रेस्टोरेंट्स और एक प्राइवेट सी बीच भी है जहां ओनली होटल के गेस्ट अलाउड हैं। तो अभी हम लोग रिसेप्शन और कॉमन एरिया में आए हुए हैं। सामने स्विमिंग पूल है जो रिसेप्शन के बिल्कुल सामने ही है। ये मेन ब्लॉक में रेस्टोरेंट भी है, एक लॉबी है और रिसेप्शन है। इसके सामने स्विमिंग पूल है और आगे आपको कॉटेजेस दिख रहा है जिसके पीछे सी बीच है। सो यहाँ पर जो है सिस्टम इनका, अलग अलग कैटेगरीज के रूम है। कुछ रूम तो मेन ब्लॉक में ही है रिसेप्शन के ऊपर, कुछ 3-4 फ्लोर्स में, बाकी रूम बाहर चारों तरफ स्कैटर्ड है। और ये कॉमन बैठने की जगह है, एक डेक है जहाँ बैठ के आप बाहर का व्यू ले सकते हैं। सामने स्विमिंग पूल भी दिख रहा है। तो हम लोग अब पूरे प्रॉपर्टी का वॉकिंग टूर करने वाले हैं और एक एक करके आपको दिखाते हैं कि प्रॉपर्टी में कहाँ पर क्या है। अभी हम लोग खड़े हैं रिसेप्शन और उसके साथ जो रेस्टोरेंट है उसके ठीक सामने, और हमारे सामने स्विमिंग पूल है। ये बिल्कुल रिसेप्शन के पास है। यहाँ से हम लोगों का जर्नी एक तरह से स्टार्ट होता है। पूरा प्रॉपर्टी घूम के देखेंगे अंदर क्या क्या है। सी बीच में जाएंगे, जैसे इनका प्राइवेट सी बीच है वहाँ भी जाएंगे, ये सब कुछ घूम के देखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पीछे स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल वैसे तो ऑपरेशनल है लेकिन अभी कोई दिख नहीं रहा है। मे बी द रीज़न इसकी इतना ज़्यादा गर्मी है नहीं, ठीक ठाक सा गर्मी है। और अभी टाइम जैसे 10:30 हो रहा है तो मे बी स्विमिंग इतना लोग अभी आए नहीं हैं करने, पर वैसे स्विमिंग पूल ऑफिशियली इनका ऑपरेशनल है। अभी हम जा रहे हैं प्रॉपर्टी के अंदर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक जो इनका चारों तरफ ग्रीनरी है, चारों तरफ गार्डनिंग किया हुआ है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, बहुत अच्छा मेंटेन्ड है। और बीच में से एक पाथवे है, कॉबल्ड पाथवे है जिसमें से हम लोग जा रहे हैं। गोल्फ़ कार्ट का इंतज़ाम भी है क्योंकि काफ़ी सारे जो कॉटेजेस हैं, रूम्स हैं, वो दूर हैं रिसेप्शन से। तो एटलीस्ट जब सामान लेके जाना पड़ता है तो गोल्फ़ कार्ट में ही जाना पड़ता है, लेकिन हम लोग अब प्रेफर कर रहे हैं वॉक करके जाना क्योंकि हम पूरे प्रॉपर्टी को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कहाँ क्या है, और उस हिसाब से हम लोग घूम घूम के अभी देखेंगे। बहुत सुंदर प्रॉपर्टी है। फिर से आपको एक बार बता दें हम लोग जहाँ आए हैं, ये है ताज फिशरमैन कोव चेन्नई में। चेन्नई मेन सिटी से थोड़ा दूर है, ईस्ट कोस्ट रोड में है जो रोड सीधे महाबलीपुरम को जाता है। उस रोड में पहले आएगा आपका VGP एम्यूजमेंट पार्क, उसके बाद ये आएगा थोड़ी देर ट्रैवल करने के बाद। तो बीचों बीच इस रास्ते से सीधे जाते जाएंगे तो पांडिचेरी पहुंच जाएंगे। वैसा ये रोड है, ईस्ट कोस्ट रोड, और बिल्कुल सी के साथ साथ चलता है। लेफ्ट साइड में आपका सी है और उसके साथ साथ ये रोड जा रहा है, बहुत ही अच्छा रोड है। उसी के साइड में है ये ताज फिशरमैन को। बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है जिसमें बहुत सारे कॉटेजेस हैं, रूम्स हैं और काफ़ी एरिया, बहुत बड़ा एरिया लेके है। पहला हमारा अभी रहेगा कि हम बीच में जाएंगे, सी बीच जाके सी बीच से हम लोग देखेंगे सी, उसके बाद हम प्रॉपर्टी के बाकी एरिया में भी जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। ये हमें लग रहा है किसी बीच जाने का ये रूट है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं अभी गोल्फ कार्ट भी जा रहा है। सी बीच में जाके देखते हैं कैसा है।
लगभग एक घंटा लगता है एयरपोर्ट से यहाँ आने के लिए। एयरपोर्ट से कैब लेके हमें लगभग एक घंटा लगा, लेकिन मेन सिटी से थोड़ा दूर है इसीलिए थोड़ा खाली खाली सा एरिया है। अलग ही टाइप का सेटअप है यहाँ पर, अलग टाइप का खाली खाली सा एरिया है। इतना बड़ा एरिया शायद इसीलिए मिल सका है क्योंकि थोड़ा सा सिटी से दूर है। फैसिलिटीज़ बहुत अच्छा है, रूम का हमने आपको पहले ही दिखाया है रूम टूर, कैसा रूम इनका, बहुत ही बढ़िया है, क्लीन कंफर्टेबल अच्छा रूम है। अब हम जा रहे हैं सी बीच की तरफ। अब चारों तरफ देख सकते हैं जैसे अलग अलग पाथवेज बना हुआ है, ये भी थोड़ा मुश्किल है ढूंढना कि कहाँ से सी बीच में जाएंगे, लेकिन हाँ अल्टीमेटली अब हमें सी दिख गया। अब हम लोग जाने लगे हैं, सी के सामने आ गए हैं, आपको दिख जाएगा यहाँ कुछ हैमॉक लगा हुआ है, कुछ कॉटेजेस हैं, बिल्कुल सी साइड कॉटेजेस भी बने हुए हैं। ये देखिए ये है हैमॉक, बहुत ही कंफर्टेबल हैमॉक है। हैमॉक में बैठ के समंदर का मजा ले सकते हैं दिन भर, ऐसा एकदम समंदर के साथ इन्होंने हैमॉक बना के रखा है। हमें सी दिख रहा है, काफी क्लीन बीच है, काफी क्लीन सी बीच है, काफी क्लीन सी बीच है। सबसे बड़ी बात है खाली है इसलिए क्योंकि ये प्राइवेट सी बीच है होटल का, ओनली होटल गेस्ट्स आर अलाउड, इसीलिए टोटली खाली है सी बीच, बहुत कम लोग हैं। जितने होटल के गेस्ट हैं उनमें से ही कुछ लोग बस आपको दिख जाएंगे, जैसे हम हैं और 15-16 फैमिलीज मैक्सिमम अभी रुके हुए हैं यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, इसीलिए सी बीच बिल्कुल खाली है, अच्छा लग रहा है देख के। जनरली सी बीच बहुत क्राउडेड होता है, जैसे अगर चेन्नई के मेरीना बीच में जाएंगे तो अनबिलीवेबली क्राउडेड है, हॉकर्स और जनरल जो लोग आते हैं सी बीच में घूमने उनसे एकदम भरा रहता है, बट यहाँ पर तो टोटली अलग है। ये तो बिना देखे यू कैनॉट बिलीव कितना खाली प्राइवेट बीच कोई हो सकता है, बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हम लोग और पास जाके देखेंगे, फिलहाल आपको ये दिखा देते हैं यहाँ सी बीच के साथ इनका कॉटेजेस हैं, ये भी बहुत अच्छा है, एकदम ये सी बीच के सामने ही है, तो यहाँ जो लोग रहेंगे वो लोग यहीं से सी देख सकते हैं, ये बहुत अच्छा है, एकदम सी के साथ ही कॉटेजेस हैं। और सबके सामने हैमॉक भी लगा हुआ है। अब हम सी बीच से अपने रूम के तरफ जा रहे हैं। ये जैसे सी साइड कॉटेजेस हैं इनको क्रॉस करके अभी हम चलेंगे अपने रूम के तरफ। ये देखिए कितना सुंदर इन्होंने छोटा सा एक पाथ बना के रखा है, दोनों तरफ ग्रीनरी है। यहाँ पर तीन रेस्टोरेंट है, एक रेस्टोरेंट तो इनके रिसेप्शन के पास ही है सीगाल जो मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट है, एक सी फूड रेस्टोरेंट है और एक इटालियन रेस्टोरेंट है। ओवरऑल स्कैटर्ड है, तीनों अलग अलग जगह पे हैं प्रॉपर्टी का। यहाँ भी एक कॉटेज है, ये बिल्कुल सी साइड नहीं है लेकिन ये भी एक कॉटेज है। इनफैक्ट हम सारा प्लान अभी समझने का कोशिश कर रहे हैं। और ये चला गया रिसेप्शन की तरफ जहाँ से हम आए थे, ये सामने स्विमिंग पूल और रिसेप्शन और मेन बिल्डिंग है जिसमें भी कुछ रूम्स हैं, और नीचे रेस्टोरेंट है जहाँ हमने ब्रेकफास्ट किया। ये एक
ये सी फूड रेस्टोरेंट है जहाँ हम एक बार कल आए थे देखने, बे व्यू नाम है ये, आप देख सकते हैं। ये अभी जैसे नेट लगा हुआ है तो ये ओनली डिनर टाइम में ऑपरेट करते हैं, इसीलिए डिनर टाइम में ये ओपन होगा। ये रेस्टोरेंट है, वहाँ पर सीटिंग ओपन भी है और शायद इनका सीटिंग कुछ अंदर भी अरेंजमेंट है। ओवरऑल बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है, वेरी नाइसली डेकोरेटेड, बहुत ही वेल मेंटेन्ड है। इतना बड़ा प्रॉपर्टी लेकिन कहीं कोई हैफजर्डली कुछ पड़ा हुआ है ऐसा नहीं है। टोटली वेल मेंटेन्ड, टोटली वेल मैनिक्योर चारों तरफ है, लेकिन अब इतना भी ज़्यादा मैनिक्योर नहीं कि आपको आर्टिफिशियल लगे, मतलब नेचुरल एक लुक है। जैसे कभी कभी होता है ना कि इतना ज़्यादा भी कर देते हैं कि हर तरफ नेचुरल एक फीलिंग ख़त्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। चारों तरफ इनका इन्होंने नेचुरल रखा है बट स्टिल मेंटेन कर रहे हैं, तो काफ़ी बैलेंस है उस मामले में देखा जाए तो। अब देखिए ये जैसे कि इन्होंने नीचे से जाने का एक आर्च बना दिया ऊपर, आर्च भी टोटली नेचुरली बनाया गया है, बैम्बू यूज़ करके ऊपर श्रब्स लगा के नेचुरल वे में बनाया है। यहाँ एक फाउंटेन है सामने, और ये भी इनका कुछ है, ये शायद कुछ बैंक्वेट हॉल टाइप का कुछ है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं ये क्या है, लेकिन यहाँ भी कुछ इवेंट होता होगा। ये फाउंटेन है और यहाँ पर ग्राउंड भी है इनका, आगे चल के आप देख सकते हैं बहुत बड़ा ग्राउंड है जिसमें लोग खेल सकते हैं। ग्राउंड वैसा वाला नहीं कि प्रॉपर जिसपे मैच हो सके वैसा नहीं, लेकिन काफ़ी खुला जगह है जिसमें कम से कम बच्चे फुटबॉल क्रिकेट ये सब खेल सके, ऐसा वाला ग्राउंड है। यहाँ भी कॉटेजेस हैं, इधर भी कॉटेजेस हैं, ये भी सी साइड तो नहीं कह सकते क्योंकि इनके पीछे कुछ बाउंड्री सा है, हाँ बट वैसा ही है कुछ कुछ, ये भी कुछ इंडिपेंडेंट कॉटेजेस हैं। पूरा प्रॉपर्टी ऐसे फैला फैला है, चारों तरफ स्कैटर्ड है चीज़ें, बहुत अच्छा लग रहा है हमें, सिर्फ घूमने में ही अच्छा लगता है। यहाँ रूम तो खैर, मतलब रूम में तो अच्छा अरेंजमेंट है ही है, लेकिन मेन इसका जो है आउटसाइड पार्ट है जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग हमें लग रहा है। कुछ हद तक ऐसा प्रॉपर्टी लंकावी में है, ताज का ही विवांता बाई ताज, विवांता लंकावी कहते हैं जिसको, वो काफ़ी हद तक ऐसा है तो। बट वहाँ पर एक एडेड चीज़ है, वो वहाँ पर एक काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है क्योंकि वो एक आइलैंड में है जो कि यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ के हिसाब से इंडिया और ख़ास करके आप बात करेंगे चेन्नई का जो एक मेन सिटी है, उसमें ऐसा प्रॉपर्टी काफ़ी अनबिलीवेबल लग रहा है, काफ़ी अनबिलीवेबल है ऐसा प्रॉपर्टी वहाँ पर मेंटेन करना। चेन्नई जैसे मेन सिटी, मेट्रो सिटीज़ में से आता है, उसमें इतना बड़ा एरिया में ऐसे प्रॉपर्टी, मुझे तो पता नहीं था। हम लोग जस्ट नेट में हमने सर्च किया और हमने देखा यहाँ आ गए। पहले तो हम लोग बुक कर रहे थे ताज कोरोमंडल जो मेन सिटी में है उसमें, लेकिन बाद में हमें लगा कि नहीं, ये प्रॉपर्टी सही रहेगा, ये अलग टाइप का लग रहा है, तो हम यहाँ आ गए। कोविड के हिसाब से भी ये प्रॉपर्टी सही है क्योंकि देखिए गेस्ट कम है और जगह भी बहुत है, अगर सारे रूम में गेस्ट आ भी गए तो भी ऐसा कोई क्राउडेड नहीं होगा जिससे कि आपको कोई कंसर्न हो, मतलब उस हिसाब से भी ठीक रहेगा। तो ओवरऑल बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है, तो ये भी कॉटेजेस हैं यहाँ भी, और पीछे पीछे जैसे वो देख रहे हैं पेड़ के पीछे समंदर है, तो सी का पूरा स्ट्रेच है जिसके साथ साथ ये प्रॉपर्टी बना हुआ है। एक बार पीछे का आपको व्यू ऐसे दिखा देते हैं, ये भी कुछ यहाँ पर बैठने का है, वहाँ भी चल के देखेंगे क्या है। यहाँ से फिर देखिए एक बार इस रास्ते से हम लोग आए हैं, ये आपको दिखा देते हैं, ये अनबिलीवेबल है, ये सब कुछ एक प्रॉपर्टी के अंदर है, सेम प्रॉपर्टी है, ये कोई अलग ऐसा एरिया नहीं है जो प्रॉपर्टी के अंदर नहीं है। अब तक हमने जितना आपको दिखाया ये सारा इसी प्रॉपर्टी का पार्ट है, एक प्रॉपर्टी इतना बड़ा बहुत रेयर होता है। ये है अपर डेक, ये मुझे लगता है कोई फंक्शन इवेंट वगैरह के लिए है, अपर डेक, ये देखिए, ये मुझे लगता है कोई इवेंट वगैरह के लिए होगा। चलते हैं जाके देखते हैं क्या है।
जनरली आप जैसे इवेंट वगैरह तो कोविड के लिए बंद है, तो इसीलिए मोस्टली बंद सही है, ये भी ढक के रख दिया है चेयर सोफ़ा, लेकिन यहाँ से भी व्यू आ रहा है। ये देखिए सी बीच का व्यू यहाँ से भी आ रहा है, जिस सी बीच में हम लोग थे वही सी बीच है। राइट साइड पार्ट प्राइवेट है और लेफ्ट साइड में फिर इनका प्रॉपर्टी का बाउंड्री आ जाता है, तो लेफ्ट साइड में कुछ कुछ लोग दिख रहे हैं, वो आउटसाइड द होटल पेरिफेरी है। ये जैसे होटल का सामने एक तरह से बाउंड्री है, कोई फिक्स्ड बाउंड्री नहीं है, इन्होंने ऐसे ही बैम्बू स्टिक से बाउंड्री बना के रखा है। उधर कुछ और एरिया है, दूसरा कोई और प्रॉपर्टी होगा। हमारा टूर यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को ट्रैवल फ्रीक वीडियोस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। इससे आपको आगे भी हमारे जो इंटरेस्टिंग नए कंटेंट होंगे उसका नोटिफिकेशन आता रहेगा। सो दोस्तों, मिलते हैं आगे एक और वीडियो के साथ, नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।